हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीवेश और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का चैप्टर ईदगाह, जो हमारा पहले रह गया था। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इसकी समरी कुछ इस तरह है। इसमें ना एक बच्चा ईद मतलब कि हामिद, उसके बारे में पूरी स्टोरी है, उसकी बूढ़ी दादी के बारे में। तो आइए इसे स्टार्ट कर रहे हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गाँव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी ने कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के घर जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डलाने के लिए तेली के घर भागा जाता है। कह रहे कि किसी ईदगाह जाने की खुशी, मतलब कि आप मान लो ईदगाह के 30 रोज पूरे हो चुके, मतलब व्रत फास्ट पूरे हो चुके हैं और अब सारे सबको ईदगाह में जाने की जल्दी है। और है ना, किसी का तो बटन नहीं है कुर्ते में, वो दूसरों के घर से सुई धागा लाने जा रहा है। किसी के जूते टाइट हो गए, वो तेली के पास जा रहा है शूज़ को ठीक करवाने, वो नरम हो जाएंगे। फिर जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दो, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। रटना होता मतलब हर रोज़ बोलते थे। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे। अनगिनत होता है अनलिमिटेड। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, जाने क्या क्या खिलौने, मिठाइयाँ लाएंगे और बहुत सारी चीज़ें। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अमीना उसकी बूढ़ी दादी के नाम है और वह अपनी दादी की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। उसके सिर पर एक बहुत पुरानी टोपी है जिसका गोटा होता, मतलब उसके नीचे एक चमकीली है ना पट्टी होती है, वो बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है। गांव से मिला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में जैसे पर लग गए, पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। कह रहे हैं कि हामिद के पैरों में जैसे पंख लग गए, इतना तेज तेज चल रहे हैं। और कहता है कि लोग इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। क्लब घर होता है मतलब क्लब जहाँ पर गेमिंग वगैरह होती हैं। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे। इतना पढ़कर हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के हैं। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उस तरह के लोग होंगे और क्या, उसी तरह के लोग होंगे और कहाँ। सहसा ईदगाह नज़र आ गया, आया एकदम से ईदगाह नजर आ गया। सहसा मतलब अचानक से। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर धावा होता है मतलब एकदम से सारे भाग लेते हैं। ग्रामीण यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं है। गांव वाले ना, वो भी बच्चों से कम उत्सुक नहीं है, मतलब वो भी साथ में भाग लेते हैं। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है लकड़ी के हाथी घोड़े, ऊंट और घड़ों से लटकते हुए है।
लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। 25 होता है 25। महमूद और मोहरीन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हमीद दूर खड़ा है, 3 पैसे ही तो है उसके पास। अपने कोस का एक तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। एक तिहाई ना 1/3। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा फोन गिर गया था मेरा। सब चरखियों से उतरते हैं, सब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक होता है मतलब चमड़े का एक घड़ा होता है, उसको मशक कहते हैं। मशक का मुंह हाथ से पकड़े हुए है, बस मशक में पानी उडेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है कि कैसी विद्वता है, और उसके मुख पर काला चोगा नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा होता मतलब बुक है लिए हुए मालूम होता है अभी। चोगा होता है मतलब एक कोट टाइप खुला खुला होता है जिसमें बटन नहीं होते। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमें नेक्स्ट पेज में बताया गया है किसी अदालत से जियर या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब खिलौने 2 पैसों के हैं। हमीद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। लेकिन ललचाई हुई आँखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, सभी मज़े से खा रहे हैं। मैं गुलाब जामुन से फिर एक सवाल याद आ रहा है, आप अपनी फैमिली में अपनी मम्मा पापा से पूछना। एक ऐसी चीज़ बताओ जो नहीं, एक ऐसी मिठाई बताओ जिसमें फूल भी आता है और फल भी आता है। तो इसका आंसर होगा गुलाब जामुन। देखो, गुलाब फूल हो गया और जामुन फल हो गया। मिठाइयों के बाद कुछ लोहे की चीज़ों की दुकान आती है, कुछ गिल्ट और नकली गहनों की। गिल्ट होता है स्टील। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, मतलब लड़के कुछ भी नहीं करते, मतलब कुछ भी नहीं चाहते। इधर लड़कियाँ आई नहीं, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है और वहाँ पर कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ आएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा। कहते कि दादी की उंगलियां नहीं जलेंगी और घर में काम की चीज़ आ जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा होगा। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। सबील होता है एक दुकान होती है जहाँ पर शरबत देते हैं, वहाँ पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। फिर कहते हैं बाद में, मेरा साथ खेलो और मेरा यह काम कर दो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ, आपका ही मुँह सड़ेगा, कीड़े लग जाएंगे, फोड़े फुंसियाँ निकल जाएगी मुंह पर, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी मतलब लालची हो जाएंगे आप। सब के सब हंसेंगे कि हमीद ने चिमटा लिया। हंसे मेरी बला से उसने दुकानदार से
उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? कितने का है, कितने रुपए का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारा पार्ट वन कंप्लीट होता है तो हम पार्ट टू में इसके पूरा चैप्टर कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आ जाएगी। और अब मैं गेमिंग की वीडियोस डालता हूँ जैसे क्यूब्स की, तो आप उन वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।